सोंधी सोंधी खुशबू जो कि पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा जो जबान से न जाए। तो ऐसी रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप इसे सिग्नेचर रेसिपी भी कह सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हम डालेंगे 1 कप वेजिटेबल ऑयल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हम 3 मीडियम साइज के प्याज जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। प्याज को यहाँ पर हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पर गोल्डन हो गया है तो देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे और एक प्लेट में फैला लेंगे। यहाँ पर निकाल लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल निकाल लेंगे हम जिसमें प्याज की खुशबू आ चुकी है। ऑयल यहाँ पर हमने निकाल लिया है, इसे एक साइड रख देंगे। यहाँ पर हमने लिया है रेड मीट जो कि हमने 1 kg लिया है जिसका अपना एक अलग टेस्ट होता है, तो इससे बिरयानी जो है बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब जो गोश्त हमने धोकर रखा था वो इसमें डाल देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से यहाँ पर 3 से 4 मिनट तेल में फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, गोश्त का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मोटी हरी मिर्च ली थी जिसको बारीक कूट लिया है ये भी डाल देंगे। कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 6 हरी इलायची, 15 से 20 हमने यहाँ पर लिए हैं काली मिर्च के दाने और 7 से 8 ली हैं लौंग, ये भी डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे इनको सबको मिलाकर अच्छे से कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक भूनने के बाद यहाँ पर डालते हैं कुछ मसाले जिसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक डालेंगे यहाँ पर 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर हम लाल मिर्च। तो यहाँ पर हमने मिर्ची जो है लाल भी ली है, हरी भी ली है, तो आप मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट नहीं है। मसालों को अच्छे से मिला देंगे और इन्हें कुछ देर तक भून लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और 2 से 3 मिनट इसको भून लिया है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 कप दही डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालकर हमें इसे भून लेना है अच्छी तरह से जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और इसमें डाल देंगे हम 4 टमाटर मीडियम साइज़ के जिसको हमने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है, मोटा मोटा ही काटा है, बारीक नहीं काटा है। दही और टमाटर डालकर हमने इसको अच्छे से भून लिया है और देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी ग्रेवी है। जो परफेक्ट बिरयानी बनती है उसके लिए ग्रेवी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी अच्छी ग्रेवी आपके कोरमे में होगी तो उतनी ही अच्छी आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें तेल अच्छे से छूटने लगा है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम पानी, तो 2 कप पानी यहाँ पर हम डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले कुछ देर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से नहीं गल जाता। तो यहाँ पर लगेंगे करीब 45 से 50 मिनट। अगर आप इसको कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पर 4 विसिल लगा लें और अगर प्रेशर वाला कुकर है तो आप इसे 15 से 20 मिनट का दम दे दें। करीब 45 मिनट हो गए हैं यहाँ पर गोश्त को पकते हुए लो फ्लेम पर और आपको दिखाते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो देखें यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पर डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला जो कि अच्छी क्वालिटी का, नहीं तो आप होममेड बिरयानी मसाला भी बना सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यह डाल देंगे। हमने यहाँ पर 4 बड़े आलू लिए हैं जिसको हमने मोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है, तो यह डाल देंगे। कुछ देर तक यहाँ पर इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। आलू को कवर करके यहाँ पर हम पकाएंगे करीब 6 से 7 मिनट जब तक आलू आधे कुक नहीं हो जाते, क्योंकि हमें दम में भी लगाना है तो आधे कुक जब हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे पकने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। इतना पर हम यहाँ पर चावल उबाल लेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेलर राइस लिया है। हमने 1 किलो में 1 किलो चावल लिए हैं। आप यहाँ पर 1 किलो गोश्त में 800 ग्राम चावल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और अच्छी तरह से ये फूल चुका है। इसे उबाल, 1 भगोने में हमने 3 लीटर पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आने लगे हैं। यहाँ पर डालते हैं कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते, 1 शिमला मिर्च का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और यहाँ पर लिए हैं करीब 15 से 20 काली मिर्च के दाने और 6 से 7 लौंग ली हैं। ये मसाले इसमें डाल देंगे। 3 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है लेकिन वो पानी के साथ निकल जाता है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसमें। मसाले डालने के बाद उबलते हुए पानी में हम यहाँ पर चावल डाल देंगे। चावल का पानी हमने निकाल दिया है। चावल को डालने के बाद एक बार यहाँ पर मिक्स कर देंगे और बिना ढके इसे उबाल लेंगे करीब 7 से 8 मिनट। और यहाँ पर हमें इसे हाई फ्लेम पर उबालना है ताकि 80% तक कुक हो जाए।
आलू डालकर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है देखेंगे इसमें कितना बढ़िया हमारा ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। तो इतनी ग्रेवी इसमें होनी चाहिए। अब इसमें से हम आधा सालन निकाल लेंगे। लेयरिंग करनी शुरू करते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे हम उबले हुए चावल। हमें यहाँ पर सारे चावल नहीं डालने हैं, आधे चावल हम रोक लेंगे। चमचे से इस तरीके से फैला देंगे। आप चाहें तो ये मोटे मसाले निकाल सकते हैं। अब जो गोश्त निकाला था वो डाल देंगे। चावल बचाए जो थे हमने वो भी डाल देंगे। अब यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे। बिल्कुल इसको यहाँ पर हमने इक्वल कर लिया है और इस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम फूड कलर, जिसमें हमने 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने केवड़ा वाटर लिया है। थोड़ी थोड़ी जगह पर इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। जो तेल हमने निकाल कर रखा था वो भी डाल देंगे। आधा कप हमने यहाँ पर चावल का स्टोक लिया है, इसको हम उस बोल में निकाल जिसमें हमने सालन निकाला था उसको खंगाल कर डाल देंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। 7 से 8 हरी मिर्च यहाँ पर डाल देंगे। साबुत हरी मिर्च ली है और यहाँ पर हमने लिया है पुदीना। यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून इसमें पुदीना लिया है और यहाँ पर करीब 6 टेबल स्पून हरा धनिया है, ये डाल देंगे। और जो प्याज हमने फ्राई निकाला था वो भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर इसे हम दम दे देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे करीब रखा रहने देंगे 7 से 8 मिनट और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और करीब 15 मिनट इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे बंद गैस पर। और उसके बाद आप यहाँ पर तवे का भी दम दे सकते हैं। अगर आपके बर्तन का बॉटम हल्का है तो आप यहाँ पर तवे का दम दे दें, लेकिन टाइमिंग इसकी बिल्कुल सेम रहेगी। 15 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को रखे हुए और अच्छी तरह से दम में आ चुकी है और एक साइड से चमचा ले जाते हुए इसको हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर कलर का चावल आपको मिलेगा, ऑरेंज भी, येलो भी, वाइट भी, तो इसे हम सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा तला हुआ प्याज डाल देंगे इसके ऊपर और लीजिए हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमें लगता है कि ये आपकी सिग्नेचर बिरयानी होगी, तो ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। तो अपने दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।